देश और दुनिया में योग दिवस मनाया गया तन की शुद्धि के लिए, मन की शुद्धि के लिए, और आम जन जीवन ने एक विश्वास जताया योग में। जिस तरह से आम जन ने, चाहे वह देश का हो या विदेश में रहने वाला हो, उन्होंने योग को कोरोना काल में असरकारक भी माना, लेकिन योग दिवस पर राजनीति के तीर भी चले योग को लेकर और क्वाद को लेकर। क्या कहा राजनेताओं ने, क्या कहा आमजन ने, और किस तरह से योग में सेवा भी देखी गई, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। दुनिया के कई देशों में भारतीय संस्कृति को सांप व सपेरे वाली संस्कृति मानते थे, लेकिन कोरोना के बाद अब सूरत बदल गई है। भारतीय संस्कृति को अब गुरु के रूप में माना जाता है, और योग, आयुर्वेद, जड़ी बूटी ये पूरे विश्व में धूम मचा रहे हैं। कोरोना के बाद जिस तरह से लोगों की हालत बिगड़ी, लोग त्रस्त हुए, आम जन त्रस्त हुए, आज योग के द्वारा भारत विश्व गुरु के पायदान पर नंबर वन है, और यहाँ की संस्कृति, यहाँ का योग पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान बना रहा है। कई विदेशी भी यहाँ पर आते हैं और योग सीख के जाते हैं, और वहाँ पर अपने देश में उन लोगों तक योग पहुँचाते हैं जिनको योग का अभी तक ज्ञान नहीं है। हालांकि कोरोना के चलते योग दिवस पर सूक्ष्म रूप से कार्यक्रम हुए, और लोगों ने जिस तरह से भाग लेना था उस तरह से भाग नहीं ले पाए, और कई जगह ऑनलाइन कार्यक्रम हुए, सोशल मीडिया के जरिए लोगों ने योग दिवस मनाया। हालांकि जिस तरह से योग दिवस तन मन को स्फूर्त करता है, शुचिता रखता है, शुद्ध करता है, लेकिन योग दिवस पर राजनीति के तीर भी खूब चले, नेताओं ने जमकर राजनीति के तंज भी कसे, ये आप देख रहे हैं। जिलों की नगरी उदयपुर के नज़ारे हैं। योग दिवस पर योग सेवा समिति के द्वारा योग का कार्यक्रम हुआ, बड़ी शुचिता के साथ में, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में ये कार्यक्रम हुआ। डॉक्टर सुंदरलाल दक्क यहाँ के संचालक रहे हैं, और उन्होंने जिलों की नगरी उदयपुर में योग की अलग भी जगह थी, और आज ये पूरा सेंटर उनकी याद में आज भी वैसा ही चल रहा है, और योग दिवस पर ये आयोजन भी हुए हैं। देश और दुनिया में कई जगह योग के आयोजन हुए, चाहे राजस्थान की राजधानी हो या देश की राजधानी, सभी ने योग किया, काढ़ा पिया और चलाए जमकर राजनीति के तीर। क्या कहना है प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का? महामारी में भी दवा लिखने वाला डॉक्टर प्राणायाम और योग के लिए पर्ची पर भी लिखता है कि योग इस रोग से लड़ने के लिए जरूरी है। योग का मतलब है युग में, लेकिन जहां तक राजनीति और सियासत और समाज का ताल्लुक है, मुझे लगता है कि इस युग का अभाव दिखता है, और इसकी सर्वाधिक शिकार कोई है तो कांग्रेस पार्टी है। उसका अंतर्कलह और अंतर्विरोध किस कदर है कि राजस्थान में 2.5 वर्षों से शासन गायब है, अपराध सिर चढ़ कर बोल रहे हैं, आम आदमी का जीवन दुश्वार है, विकास के काम ठप हैं और बेरोजगारी की हद है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से देश में एक वंश से शुरू ये पार्टी बिना किसी नीति और एजेंडे के आगे बढ़ी, और यही कारण है कि वो देश में सिमटती चली गई कश्मीर से कन्याकुमारी तक। इस पार्टी को अब अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। राजस्थान में भी सीधे सीधे अंतर्विरोध के कारण गवर्नेंस पर असर पड़ा, और राजस्थान की जनता 2.5 वर्षों से त्रस्त है। इस तरीके से नैतिक सरकारें बहुत लंबी चलती नहीं है। मुझे लगता है राजस्थान में अब कांग्रेस के मुक्त होने का समय आ गया। कहीं इस तरीके की कवायद मध्यावधि चुनाव का तो संकेत नहीं कर रही। आज नगर निगम में, उदयपुर के नगर निगम ने एक अभिनव आयोजन किया, योग का आज सुबह एक सत्र रखा, और साथ ही साथ
काढ़े का वितरण भी किया। हम जानते हैं कि व्यक्ति की इम्यूनिटी के लिए खासतौर पर गिलोय का काढ़ा ये आयुर्वेद में प्रमाणित भी है और भारत की तमाम संस्थाओं ने आयुष 64 इसके किट के वितरण के जरिए इम्यूनिटी को बढ़ावे का काम किया है। लोगों को लगता होगा कि ये कड़वा है, पर ये उतना ही कड़वा है, सहज रूप से पिया जा सकता है। राजनीति की कड़वाहट से तो वह बेहद कम है, और जिस तरीके से राजनीति में इम्यूनिटी कमजोर होती है, वो इम्यूनिटी मुझे लगता है कि काढ़े के जरिए व्यक्ति इस काढ़े से जरूर अपने आप को शरीर की इम्यूनिटी जरूर प्राप्त कर सकता है। ऐसी इम्यूनिटी की आवश्यकता कांग्रेस को थी, पर दुर्भाग्य है कि कांग्रेस किसी भी किस्म के उपचार की बजाय ट्विटर पर जरूर ज्यादा जिंदा है। उनके आलाकमान को इस बात का इल्म नहीं है। तो मुझे लगता है कि राजस्थान की इस तमाम घटनाओं से ये एक साम्यता है योग दिवस में, जिनमें उनका युग्म गायब है। काढ़ा जिसका सेवन वो न शरीर के लिए करते होंगे, न दल के लिए करते होंगे। जिस प्रकार से कांग्रेसी आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में विरोधाभास चल रहा है और विशेष करके पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अब सक्रिय हुई है, तो कुछ राजनेताओं में छटपटाहट हुई है और वो उनका एक अंतर रूप से विरोध में है। जी देखिए, राजनीतिक दल संगठन से और विचार से चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्राण तत्व है उसका संगठन और उसका विचार, जिसके आधार पर हम सब लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे यहाँ सामूहिक नेतृत्व है, उस नेतृत्व का जरिए जो आलाकमान, उस नेतृत्व से निकला हुआ संसदीय बोर्ड, ये सब भारतीय जनता पार्टी को ताकत देते हैं और इसी आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। वो जिसको नेता तय करते हैं उनके पीछे उनका अनुसरण हम लोग करते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में तो इस तरीके का अंतर्द्वंद्व नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी इसका शिकार जरूर है, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व में जिस तरीके से आलाकमान की उनकी कमजोरी जाहिर हुई है और जिस तरीके से विग्रह का शिकार हुई, जीत 23 बना, और अन्य अन्य राज्यों में जिस तरीके से, राजस्थान में भी जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने मुखर होकर पत्र लिखे, धरना दिया, उपवास किया, इस्तीफा दिया, तो ये जरूर उनका दिखता है कि ये विग्रह दिखता है। उनके पीसीसी का चीफ को बर्खास्त करना पड़ा, डिप्टी चीफ मिनिस्टर को बर्खास्त करना पड़ा, ये सारी चीज़ें कांग्रेस पार्टी में दिखती हैं। भारतीय जनता पार्टी, जैसे मैंने कहा कि एक निश्चित संविधान की, निश्चित विचार की, ये पार्टी जो आगे बढ़ती है। तो पार्टी की मशीनरी को भी जब तक व्यक्ति को मानसिक खुराक नहीं मिलेगी और जब तक उसका विजन साफ नहीं होगा कि हम ये काम कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, जब तक इस बात का दिमाग में आएगा मेरे लिए काम कर रहा हूँ, तो वो उलझन में पड़ेगा। जो ये सोचता है कि मैं देश के लिए काम कर रहा हूँ, कुछ अच्छे उद्देश्य के लिए काम कर रहा हूँ, तो उसका सोचने का दृष्टिकोण बदल जाएगा। ये जो सोचने का जो छोटा दृष्टिकोण बना ना, ये मैं जो शब्द है ये हमसे ऊपर आ गया और उसके कारण से ये दुर्गति किसी भी पार्टी में हो, चाहे मेरे में हो, चाहे किसी में हो, उसमें आएगी। व्यक्ति जब अपने बारे में सोचता है तो उसका गिरावट शुरू हो जाती है। जो समाज के बारे में सोचता है, देश के बारे में सोचता है, उसका अपने आप विकास हो जाता है। आप कह रहे हैं उद्देश्य अच्छा होना चाहिए, लेकिन उद्देश्य तो सभी अपने अपने नज़रिए से अच्छा ही मान रहे हैं। सबको मुख्यमंत्री की कुर्सी दिख रही है, इसीलिए बयानबाजियाँ शुरू होनी चाहिए, दड़ा कोई सा भी हो। देखो, सभी को मुख्यमंत्री न मिल सकता है न बन सकते हैं। मुख्यमंत्री तो एक ही बनेगा और वो झगड़ा उस पार्टी में पड़ सकता है जहाँ व्यक्ति निर्णय करता है। हमारे यहाँ समूह निर्णय करता है और समूह जब निर्णय करता है तो समूह पर भरोसा रखना ये हमारा कर्तव्य है। महादेव सिंह खंडेला है पूर्व केंद्रीय मंत्री, वो कह रहे हैं अशोक गहलोत ही कांग्रेस है, उधर हाड़ौती के नेता कह रहे हैं वसुंधरा राजे ही बीजेपी है। ये सबसे संगठन के क्या होगा? ये क्या है कि अपनी अपनी वफादारी बता रहे हैं, तब जब कभी मौका मिले तो इनको भी कुछ न कुछ मिल पड़े। आज निर्वाचन के जरिए नेता अपनी अपनी वफादारी जता रहे हैं, लेकिन साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि किसी एक व्यक्ति के दम पर कोई संकट कभी खड़ा नहीं होगा। कैमरा पर्सन राहुल सिंह के साथ। जी बताएं, काढ़ा कड़वा लग रहा है कि मीठा लग रहा है? देखो, जो चीज़ें दुनिया में कड़वी होती है सबसे ज़्यादा गुणकारी वही होती है। हाँ, और जो कड़वी देने के लिए डरता है वो संगठन खड़ा नहीं कर सकता। इसलिए कड़वी चीज़ें लेनी चाहिए। हाँ, और चाहे समाज हो, संगठन हो या शरीर हो। हाँ, ये सब चीज़ें कड़वी देनी चाहिए। राजनेताओं को क्या करना चाहिए, कौन सा काढ़ा पीना चाहिए? कड़वी चीज पीनी चाहिए। राजनेता भी इसी समाज से आए हैं, कोई अलग से नहीं आए हैं। और जो समाज में सिद्धांत लागू होते हैं वह सभी सिद्धांत राजनेताओं पर भी लागू होते हैं, और अगर वो वास्तव में ईमानदारी से उसकी पालना करें तो जो लोग आज नेताओं की इमेज बनी है वैसी खराब इमेज समाज में नहीं बनेगी। क्या कहना है योग दिवस? आज विश्व योग दिवस है। माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने योग हमारे शरीर के लिए कितना उत्तम है और उन्होंने पहल की, और आज विश्व के लगभग 200 देश
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में आज मनाते हैं, जिससे हमारे शरीर की भी पूरी व्यवस्था रहती है। और निश्चित रूप से आज उदयपुर नगर निगम के इस योग दिवस के कार्यक्रम में हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सतीश जी पुनिया साहब यहाँ। राजनेताओं को कितना योग करना चाहिए, राजनेताओं को इस जमाने में कितना, कोरोना जैसे महामारी के बीच में हमारे सभी साधु संत ऋषि मुनियों ने और योग के हमारे जो आयोजन करके उन्होंने भी कहा है और डॉक्टरों ने भी कहा है, योग से निश्चित रूप से हम सबको शरीर के संतुलन के लिए बहुत अच्छा है और राजनेताओं को भी योग करना चाहिए। और राजनीति में भी जिस तरह से शुचिता रखनी है, किस तरह का काढ़ा राजनीति में पीना चाहिए। बिल्कुल, राजनीति में हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए राजनीति का वो तमाम लोकतंत्र में जनता की सेवा का काढ़ा पीना चाहिए और जनता की सेवा को प्राथमिक करनी चाहिए। देखिए, योग दिवस हमारा सौभाग्य का आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पहली घोषणा की जून की हुई और उसके अंतर्गत आज पूरा विश्व है वो योग दिवस मना रहा है और राजनेताओं को भी इसमें निरंतर इसके लिए निरंतर चलने के लिए भी योग की आवश्यकता है और उसके आधार पर हम आगे बढ़ सकते हैं। उसका योग को महत्व बताए आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में योग का कार्यक्रम नगर निगम की ओर से आयोजित किया गया और उसके पश्चात वृक्षारोपण, महाराणा प्रताप की मूर्ति पर पुष्पांजलि और फिर काढ़ा वितरण किया गया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राजनीति क्षेत्र के अंदर रहते हुए योग अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि व्यक्ति सवेरे निकल जाता है और शाम तक राजनीतिक गतिविधियों के अंदर इतना व्यस्त रह जाता है कि उसको ये भी पता नहीं लगता है कि मेरे शरीर के अहम भाग क्या काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। इस निमित्त अगर हम सवेरे प्रातःकाल उठने के पश्चात अगर आधा पौन घंटा एक घंटा अगर योग करें तो मेरा ऐसा सोचना है कि उसका राजनीतिक जीवन बहुत व्यवस्थित रूप से चल सकता है और शरीर तंदुरुस्त रह सकता है, क्योंकि योग एक ऐसी चीज़ है कि हर चीज़ इसके अंदर समायोजित हो जाती है। अगर किसी व्यक्ति को भूख नहीं लगती है तो योग के माध्यम से भूख लग जाएगी, अगर उसके हाथ पैर दर्द हो रहे हैं तो योग के माध्यम से उसके हाथ पैर दर्द होना दूर हो जाएगा, अगर उसका सिर दर्द हो रहा है और हेडेक हो रही है तो योग के माध्यम से। और राजनीति में एक सबसे बड़ी चीज़ होती है वो हेमंत जी ये होती है कि व्यक्ति आधी टाइम तनाव में रहता है, तो योग के माध्यम से वो तनाव मुक्त हो सकता है, तनाव मुक्त, यह बहुत बड़ी चीज़ है। और दूसरा रहा सवाल काढ़ा का, काढ़ा एक ऐसी चीज़ है जो अभी कोरोना के अंदर विशेष रूप से जो हमारे आयुर्वेदिक योगाचार्य और आयुर्वेदिक के जो हमारे डॉक्टर्स हैं वह होम्योपैथिक के माध्यम से और आयुर्वेदिक के माध्यम से इस काढ़ा का उस पर डालकर काढ़ा का बनाने का काम करते हैं और काढ़ा लेने से निश्चित रूप से जो निरोगी काया होती है वह बहुत ही लाभदायक होती है शरीर के लिए। और काढ़ा कड़वा होता है, जो कड़वा होता है वही अंदर से मीठा होता है और जो बाहर से मीठा होता है वो अंदर से कड़वा होता है, ये हमारे बुजुर्ग लोग क्या करते थे, तो काढ़ा का भी वही है। काढ़ा अगर कड़वा है तो अंदर जाकर अपने शरीर को शुद्धता का रूप देता है और निश्चित रूप से शरीर को अच्छा करता है, और अगर वो मीठा हो जाता तो फिर तो आपको पता है कि मीठा होने के पश्चात हमेशा आदमी बोलता क्या है और करता क्या है, लेकिन काढ़ा का तो वो रूप ही ऐसा ही है कि वो कड़वा होता है जिससे लेने में दिक्कत होती है और लेने के पश्चात उस शरीर को शुद्धता का आयाम देता है। राजनेताओं को पालन करना चाहिए योगा, बेसिकली आपके अच्छे फायदे के लिए जितनी कोशिश करेंगे, लंबा सांस लें, ध्यान रखें, तो बहुत सारी बीमारियां अपनी ठीक हो जाती है। ये तो सभी के लिए बहुत अच्छी बात है, सबको लोगों को ये करना चाहिए। जी बताए, राजनीति में काढ़े का क्या महत्व है, योग का क्या महत्व? देखिए, काढ़े का और योग का जो महत्व है हम प्राचीन काल से देख रहे हैं, काढ़ा कड़वा जरूर होता है लेकिन बहुत गुणकारी होता है। और योग का जो महत्व हमारे जीवन में है, ऋषि मुनि और पतंजलि ऋषि ने जिस प्रकार से इस योग विद्या को प्रारंभ किया, गीता के अंदर भी भगवान श्री कृष्ण ने ध्यान और योग पर उन्होंने अपनी श्रीमुख से जब बात कही है, तो मेरा मानना है कि यदि व्यक्ति निरंतर रूप से आयुर्वेद और इस योग पद्धति को और आसन प्राणायाम करके अपने जीवन में इसको अंगीकार करेगा तो निश्चित रूप से योग रह सकेगा, स्वस्थ रह सकेगा। योग का क्या योग है? राजनीति में ये काढ़े और योग में तो ऐसा है कि रात और दिन काम करना है तो शरीर स्वस्थ रहना है, जनता की सेवा करनी है। काढ़ा एक ऐसा दवाई का ये काम करता है जो वास्तव में काढ़े से पूरा जो शरीर के अंदर ऐसे बीमारी के जो कीटाणु है उसको नष्ट करता है
और योग एक ऐसी चीज है जो हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहे। और इसमें योग के माध्यम से जो कीटाणु होता है श्वास के माध्यम से बाहर निकाल देते हैं और ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, शरीर में स्फूर्ति रहती है और दिन अच्छा रहता है, शरीर की सारी मांसपेशियां काम करने लगती हैं। कीटाणु कैसे खत्म होंगे? राजनीति के कीटाणु तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे, वास्तव में वो जो सेवा के भाव से जो आया है वो लंबा चलेगा और अपना परिवार को और अपने खुद के लिए जो आया है वो वैसे ही वो कीटाणु की तरह वो भी मर जाएगा। आप युधिष्ठिर जी कुमावत हैं, थोड़ा गुड़ मंगा है। आप बताएं साहब, काढ़ा कड़वा है या मीठा है? कड़वा भी है मीठा भी है। अच्छा, तो राजनीति में किस तरह के घूंट भरने चाहिए? देखिए, स्वच्छ शरीर रखने के लिए स्वच्छ मन भी रखना चाहिए। हाँ। और अपने आप को भी स्वस्थ रखना चाहिए। स्वस्थ हैं तो सब हैं, अस्वस्थ हैं तो कुछ नहीं। और राजनीति में किस तरह का काढ़ा पीना चाहिए? कड़वा ही पीना चाहिए ताकि उसके परिणाम सुखद आए। योग चित्त को शुद्ध करता है, योग मन को शुद्ध करता है और इन्हीं भावों से अगर कोई योग करे तो वाकई में वो एक ईश्वरीय प्राणी हो जाता है, जिसके मन में हर प्राणी के लिए एक आस्था होती है, एक विश्वास होता है और उसके सहयोग के लिए तन मन और धन से लग जाता है। हम आज योग दिवस पर ऐसे ही लोगों से आपको मिलवा रहे हैं कि जिन्होंने अपने जीवन में कुछ ऐसा कार्य किया है प्राणी मात्र के लिए कि जो एक अपने आप में बिरला है। आइए हम मिलवाते हैं हनुमंत सिंह जी राज पुरोहित। काम इनका पुलिस का है लेकिन दिल इनका भगवान सा है। नाम के सदस्य इनका काम भी है, जो भी इनको याद करता है ये तुरंत पहुंचते हैं उनके पास। क्या है खूबी हनुमंत सिंह जी की और इनको जो जीवन संगीनी मिली वो भी ऐसी मिली कि इनके साथ में बढ़ चढ़ कर इनका साथ दिया और लोगों की खूब सेवा की कोरोना काल में भी। हनुमंत सिंह जी, जिस तरह से योग की बात करें तो योग किस तरह से लोगों में एक आस्था और विश्वास जगाने का काम करता है, चित्त की शुद्धि करता है। लोग आज जीवन में अपने जीवन में आसन को ही योग मान बैठे हैं, जबकि चित्त की शुद्धि सबसे पहले होनी चाहिए। क्या ये हो रही है? जी सर, नमस्कार जी। आपने खूब सारे सवाल पूछ लिए एक साथ। सिंपली जो योग है, योग का जो शाब्दिक अर्थ है जोड़ने से है और मुख्यतः आत्मा का परमात्मा से मिलन जो इसकी परम प्राप्ति है। योग के संबंध में सामान्यतः जो आज के परिप्रेक्ष्य में व्यक्तियों की जो धारणा है वो तो मात्र जो आसनों के संबंध में रहती है या बहुत अधिक होता है तो लोग जानते हैं कि प्राणायाम और आसन ही योग होते हैं। महर्षि पतंजलि ने जो कि इसके योग के संबंध में सबसे प्राचीन ग्रंथ उन्होंने ही लिखा है, उनका जो योग ग्रंथ में बेसिकली उल्लेख किया है, योग के 8 अंग बताए गए हैं। उन 8 अंगों में जो सबसे प्रथम है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि के संबंध में बताया गया है। यम और नियम भी 5-5 बताए हैं। यम जो है जो 5 बताए हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। नियम पुनः 5 बताए हैं, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। तो सामान्यतः यम और नियम की पालना करने के पश्चात जो है उसके बाद आसन और प्राणायाम का नंबर आता है। लेकिन सामान्यतः आज के परिप्रेक्ष्य में व्यक्ति जो है सिर्फ आसनों को करने मात्र को ही योग समझ बैठता है। आसनों का जो प्रतिफल है वो शारीरिक सुदृढ़ता मिलती है निसंदेह रूप से। यदि व्यक्ति
निरंतर रूप से आसनों का अभ्यास करता है तो शारीरिक रूप से सुदृढ़ होता है। इसी तरह से प्राणायाम का अभ्यास करता है तो शरीर में लाघवपन आता है। तो योग में इसके अतिरिक्त भी जो है तन के साथ जो मन की शुद्धि है उनकी शुद्धियों के उपाय जो यम नियम के माध्यम से बताए गए हैं तो संयम और के साथ में अगर हम इनका पालन करें तो निश्चित रूप से व्यक्ति जो है तन और के साथ साथ मन की शुद्धि को भी प्राप्त कर सकता है। जिस तरह से कोरोना काल का देखा जाए तो लोगों ने कई किसी ने इंजेक्शन खाए तो किसी ने दवाइयां खाई तो किसी ने पैसों की लूटमार की, लेकिन आपने एक सेवा का एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई और किसी को भूखे नहीं रहने दिया। क्या किस तरह की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको और क्या उद्देश्य रहा उसके पीछे? जी सर जी, कोरोना की जो पहली लहर आई थी जी, उस पहली लहर में दिनांक 22 मार्च 2020 को मैंने मेरी धर्मपत्नी डॉक्टर लता सिंह से जब हमने चर्चा की कि इस तरह से जो महाकर्फ्यू लगने वाला है हम लोग उसमें क्या करें, तो जो असहाय मजदूर किस्म के जो लोग बाग हैं उनकी समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए उस मुहिम के तहत क्वालिटी फूड पैकेट्स, कच्चा राशन सामान, इसी तरह से जो श्रमिक पलायन कर रहे थे उनके लिए आवश्यक वस्तुओं का सभी के सहयोग से प्रबंध किया गया था। इसी क्रम में जब द्वितीय लॉकडाउन जब लगा तो क्रमशः 18 अप्रैल 2021 से पुनः हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, किंतु इस बार जो कंडीशंस थी वो बिल्कुल भिन्न थी। उन भिन्न कंडीशंस के अंदर हमने स्पेशली सभी से विचार विमर्श किया तो भोजन पर जो हमारे ध्यान को केंद्रित करने की बजाय हमने ड्राई राशन किट है एक तो उसको अवेलेबल करवाने की कोशिश की। इसके अतिरिक्त जहाँ पर जिन व्यक्तियों को ऑक्सीजन के सिलेंडर है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, वह उपलब्ध नहीं हो पा रहे उन्हें उपलब्ध कराने का प्रयास किया, मेडिसिन्स उपलब्ध कराने का प्रयास किया। इसके अतिरिक्त जिन कई हॉस्पिटल्स में जो है वो अवेलेबिलिटी नहीं मिल पा रही थी बेड्स की, तो कोशिश की कि अधिक से अधिक जिनके हमारे पास कॉल्स या रिक्वेस्ट आई थी उनकी समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास किया। जिस तरह से देखा जाए तो आपके जीवन में कई ऐसे उल्लेखनीय कार्य हुए हैं कि जैसे पक्षियों के लिए हुए हैं, पशुओं के लिए हुए हैं, और भी क्या क्या ऐसा काम है और भी आगे आने वाले समय में क्या आपकी भावना है? देखिए आप बताएं क्या कहना। जी सर, प्रत्येक मनुष्य का अपने स्वयं के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति और इस संपूर्ण विश्व के प्रति कई अपनी ड्यूटीज़ है, उन कर्तव्यों के संदर्भ में ही विशेष रूप से हमारी ड्यूटी बनती है कि हम लोग पर्यावरण के प्रति, पशु पक्षियों के प्रति भी अपने कर्तव्यों का पालन करें। इस संदर्भ में भी जहाँ जहाँ मेरी पोस्टिंग रही है उन थाना क्षेत्रों में और उसके अतिरिक्त भी जहाँ निवास किया है अथवा जहाँ जहाँ भी अवसर प्राप्त हुआ है, करीब आज तक 5-1 हज़ार पेड़ पौधे जो है अभी तक मेरे द्वारा लगाए गए हैं, लगाए नहीं गए अभी तो यह प्रयास रहा है कि उन्हें बड़ा होने तक उनकी सार संभाल की जाए। इसके अतिरिक्त जब भी समय मिलता है, भले पशु पक्षी इत्यादि कभी उनकी सेवा इत्यादि करने का अवसर मिलता है तो उसमें भी कोशिश करते हैं कि पीछे नहीं हटे। हमें यह मानना चाहिए कि यह संपूर्ण जो वसुधैव कुटुंबकम जो हमारा ग्रंथों का सार है उसको देखते हुए हमारा दायित्व बनता है कि हम न केवल अपना अथवा अपने परिवार का अभी तो संपूर्ण हमारा समाज राष्ट्र के संदर्भ में हम सोचें और उनको साथ लेते हुए, उनको जोड़ते हुए और हम लोग उनके साथ में चलें। हनुमंत सिंह जी के साथ में इनके धर्मपत्नी जी हैं, बहुत बड़ा एक योग होता है कि कभी पत्नी अच्छे काम के लिए आगे होती तो पति उनका पल्लू खींचता है और पति आगे होता है तो पत्नी उनका कमीज खींचती है, लेकिन आपके यहाँ
उल्टा हो रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपसे दो कदम ये आगे बढ़ते हैं और इनसे आगे आप चार कदम चलते हैं। किस तरह की खुशी है आपको ऐसे पति मिलने पर? ये एक संयोग है कि जैसी मेरे अंदर जो भावनाएं थी या मैंने मेरे पिताजी से जो सीखा था कि प्राणी मात्र की सेवा करना, उसी हिसाब से मुझे इसी प्रकार के पति भी मिले हैं जो उसी अनुसार चल रहे हैं कि उनके मन में भी हमेशा चाहे जीव जंतु हो चाहे मनुष्य हो सभी की सेवा करने का भाव उनके मन में हमेशा रहता है। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि जैसे मुझे संस्कार मिले बचपन से और जैसा मैंने मेरे पिताजी को देखा वैसे ही मुझे मेरे पति मिले हैं। क्या किस तरह की खुशी होती है कि एक भूखे व्यक्ति को रोटी दें, या और क्या आप आम जन को संदेश देना चाहेंगे, उन महिलाओं को संदेश देना चाहेंगे जो इस कार्य में कुछ भावनाएं रखती हैं? एक भूखे व्यक्ति को रोटी देना मतलब आप मैं उस खुशी को बयान नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड दो बच्चे यहाँ लाए थे पिछली बार कोरोना में, तो उनको जो मैंने एक खाने के लिए उनके अंदर जो ईगरनेस और खाने के लिए जो देखी, जब वो खाना देखते थे तो उनकी आंखों में जो एक उस खाने को देख के जो ऐसे भाव आते थे वो देख के मैं सोचती थी यार ये ऐसे कर रहे हैं, और जब वो खाते थे और बड़े खुश होते थे तो मैं उस भावना को मतलब शब्दों के साथ मैं उसका वर्णन नहीं कर पा रही हूँ कि किस प्रकार की खुशी मिलती है। लेकिन ये है कि आप अगर किसी की भी सेवा करते हैं या किसी को भी कुछ देते हैं या मदद करते हैं तो ये 100% सही है कि आपकी आत्मा में उस वक्त बहुत शांति मिलेगी आपको और अंदर ही अंदर आपको बहुत ही खुशी महसूस होगी। ऐसे लोग भी थे जिनके पास करोड़ों रुपए की संपत्ति थी और कई साधन सुविधाएं वगैरह सब सारा था, लेकिन वो वैसे ही रहे कि एक दमड़ी भी उन्होंने परोपकार में नहीं लगाई। क्या आप लोगों को आह्वान करेंगे आप? मैं यही कहूंगी कि अगर किसी ईश्वर ने अगर किसी को इस लायक बनाया है या इस योग्य बनाया है कि वो किसी की सेवा कर सके या इतनी धन संपत्ति दी है कि हम किसी का थोड़ा बहुत भी दुख दूर कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए मुझे यही है कि उनको जरूर करना चाहिए ये कि भगवान ने हमको मतलब इस योग्य बनाया है कि हम किसी की सेवा कर सके। अगर उस वक्त भी अगर हम सेवा नहीं कर पा रहे हैं तो निश्चय ही जो ये मनुष्य जन्म हमें मिला है वो निरर्थक है। जी बताएं। आज हमने 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया है जिसमें कुछ ऑनलाइन क्लासेस भी है और कुछ अनलोक वाली क्लास भी शुरू की है, और इतने दिन हमारे लॉकडाउन के कारण योग की सारा संचालन बंद कर रखा था। आज से हमने इसको प्रारंभ किया है और आगे भावना है कि अगर इस महामारी से हमको छुटकारा मिल जाएगा तो हम इसको रेगुलर वापस संचालन इसका शुरू कर देंगे। और योग एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति अपना शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक सभी प्रकार की से अपने मन को शरीर को और अपने आध्यात्म की मानसिक शांति को प्राप्त कर सकता है, यह ऐसा साधन है। और इस महामारी में इस योग का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि सभी ओर से व्यक्ति मानसिक रूप से भी शारीरिक रूप से भी और सभी तरह से वो त्रस्त है। ऐसे समय पर इस योग से हम काफ़ी कुछ मानव समाज की सेवा कर सकते हैं, ऐसी मेरी भावना है। और मैं चाहती हूँ कि यह योग सेवा समिति में का सभी लोगों का सहयोग रहेगा तो योग की कक्षाओं का हम नियमित प्रातःकाल और सायकाल की व्यवस्था करने की पूर्ण इच्छा है। वैसे छोटा मोटा शाम को भी चलता है लेकिन अभी जनता में और यहाँ की नागरिकों में योग के प्रति इतनी ज़्यादा रुचि नहीं होने के कारण लोग समय पर नहीं आ पाते हैं। इच्छाएँ बहुत होती है लेकिन उनका इसमें सम्मिलित होने में थोड़ा सा अपना शारीरिक आलस्य समझ लीजिए या ये कि कल पर हर प्रवृत्ति को हर चीज़ को कल पर डालने की इच्छा के कारण वो लोग इसमें सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं, पर हम चाहते हैं कि इसका और अधिक प्रचार किया जाए तो इस महामारी में
व्यक्ति को अपने शारीरिक रूप से मानसिक रूप से बहुत अधिक आराम मिलने की पूर्ण संभावना है और सभी लोग ये चाहते हैं कि इस महामारी से भी छुटकारा मिले और हमारा शरीर भी स्वस्थ रहे। मैं चाहती हूँ सर कि श्रीमान सुंदरलाल जी दक्ष साहब ने इस योग को जिस समय पर कोई नहीं जानता था शहर में कि योग क्या है उसकी अलग जगाई, उसके लिए घर घर जाकर के लोगों को इसके प्रति जागरूक किया और उसके बाद अपने स्वयं के प्रयासों से और जनता की थोड़ी बहुत सहायता के माध्यम से इस योग सेवा समिति का निर्माण किया जो काफ़ी अच्छे बड़ा हॉल बना हुआ है। शायद शहर में ऐसा हॉल शायद योग के माध्यम योग के लिए ऐसा हॉल नहीं है और इस हॉल की उपयोगिता के लिए मेरा मन में यही एक संकल्प रहता है कि मैं यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को योग के माध्यम से उनको शिक्षित और उनके शारीरिक रूप से योग के माध्यम से मानसिक शारीरिक आध्यात्मिक रूप से वो स्वस्थ रह सके ऐसी मेरी मनोकामना है। और मैं चाहती हूँ इस योग की अलग को जो जगा के गए हैं वो दिन प्रतिदिन अच्छी उन्नति करती जाए यही मेरी कामना है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और देश और दुनिया में जिस तरह से कोरोना महामारी से लोग त्रस्त हैं, आज भारतीय संस्कृति और योग और आयुर्वेद को लेकर पूरी देश और दुनिया में लोगों की श्रद्धा बढ़ रही है। देश में चाहे पर्यटक भले ही नहीं आ रहे हों, लेकिन पर्यटकों में जो देश और दुनिया में अभी विद्यमान है उनमें भारतीय संस्कृति और योग के प्रति गहरी आस्था जग गई है। किस तरह से देश और दुनिया में जो रह रहे हैं, चाहे वो भारतीय नागरिक हो या विदेशी नागरिक, उनसे जानेंगे कि किस तरह से योग और आयुर्वेद और जड़ी बूटियों में उनका विश्वास जगा है। योग दिवस है और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब योग और आयुर्वेद की बात हो रही है। बताएं किस तरह से गहरी आस्था जगी है विदेशियों में। जी बताएं, जसवंत जी टाक है आप और योग के क्षेत्र में वर्षों से ये काम कर रहे हैं। जी बताएं जसवंत जी, क्या कहना है आपका? देखिए, योग में आस्था तो हमारी पहले भी थी और आज भी है और हर सनातन धर्म से चली आ रही है। हम इस बहुत ज्यादा भौतिकवादी हो गए हैं। भौतिकवादिकता के कारण हम बहुत आलसी हो गए। हम जो आज सिखाते हैं या बॉडी के ऊपर या माइंड के ऊपर जो हम काम कर रहे हैं, जैसे अष्टांग योग के द्वारा कर रहे यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान और समाधि, लेकिन आज कोरोना के समय में आपके शरीर में आपके फेफड़ों की जो कैपेसिटी है इसके बारे में पूरे वर्ल्ड को अब महसूस हुआ है कि हमें प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम कितनी देर करें? कम से कम 4 बार प्राणायाम होना चाहिए 15-15 मिनट का। एटलीस्ट 1 आवर हमें एक प्राणायाम करना चाहिए। वो कोई सा भी प्राणायाम आप अपने सुविधा के हिसाब से या अपने गुरु के निर्देशानुसार कोई भी एक प्राणायाम देख लें, जिससे कि आप ये जो कोरोना महामारी ने सबसे बड़ा अटैक किस पे किया? आपके लंग्स पे किया। और लंग की कैपेसिटी बढ़ाएंगे तो आपकी इम्यूनिटी वैसे ही बढ़ेगी। रहा जहां तक के सवाल है आयुर्वेद का, आयुर्वेद में वो सारी मेडिसिन थी जिसके साइड इफेक्ट्स नहीं थे। एलोपैथी में और आयुर्वेद में थोड़ा सा डिफरेंस यही था कि हर दवाई के साइड इफेक्ट होते हैं। और वर्ल्ड में आप यकीन नहीं करेंगे, हमारे यहाँ जितने भी फॉरेनर्स आते हैं मोस्टली दे प्रिफेर आयुर्वेद मेडिसिन। योग को प्राथमिकता देते हैं, षटकर्म को प्राथमिकता देते हैं। षटकर्म कहाँ काम करता था? कफ पित्त और वात। यदि आपकी बॉडी के अंदर ये तीनों चीज बैलेंस है तो आप बीमार होंगे नहीं। अब देखो ये जो बीमारी आई कौन सी आई है? कफ की बीमारी है, कफ रिलेटेड डिजीज है ना, गम की। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? इसके लिए प्राणायाम करें, आप अच्छे से कपालभाति प्राणायाम करें, आपका सारा कफ है वो बाहर फेंकेगा। कैसे करें आपको तो मैं बता भी सकता हूं। ऐसे तो देखो पूरा बाहर आ गया है ना। तो इस तरीके से यदि हम 15 मिनट इसका रिपीटेशन करते हैं तो लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। ऑर्डिनरी डेज में हम क्या करते हैं, लंग्स को 30 से 35% यूज करते हैं, बाकी लंग्स
धीरे 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 हमारा खत्म होना प्रारंभ कर देता। पोल्यूशन बहुत हो गया है, हम फिजिकली कोई एक्सरसाइज हो नहीं रही है, इसीलिए योग को करें, योग से अपने शरीर को निर्मल रखें, अपनी आत्मा को निर्मल रखें, बुद्धि को निर्मल रखें, और ये आपके लिए रामायण इलाज है विदाउट मेडिसिन। आपके पास में कई फॉरेनर्स भी आते हैं और सीखते भी हैं, योग के बारे में जानते भी हैं, इनकी कितनी गहरी रुचि है, क्या कहना है? देखिए, योग आज विदेश में बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनी है, और सबसे रिचेस्ट इंडस्ट्री किसी को मानते हैं ना, वो योगा इंडस्ट्री है। और हम तो बहुत पीछे चले गए, हमारी यहाँ पे योग की कोई मार्केट ही नहीं है। लोग विदेश से सिर्फ योग को सीख के वहाँ योग सिखाते हैं। ये सारा इसलिए चल रहा है कि वहाँ की पब्लिक अपनी हेल्थ के लिए कॉन्शियस है। हमारे यहाँ हम हेल्थ कॉन्शियस ही नहीं है, कोरोना ना के डरा दिया है तो थोड़ा सा डर गए, घर के अंदर बैठ गए, जैसे बाजार खुलेंगे फिर बाहर आ जाएंगे, फिर वही हमारा हो जाएगा। अनियमितता, हमारा लाइफ जो है वो डिसिप्लिन नहीं है। हमें यम नियम का पालन कैसे किया जाना चाहिए, हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, इसका भान। अब सरकार को किस तरह से योग केंद्र एक मॉडर्न रूप में स्थापित करने चाहिए देश के हर शहरों में, हर कस्बों में? देखिए, सारी जगह है, इवन अभी मैं उदयपुर की बात करूं तो हर मोहल्ले में एक योग सेंटर लगा हुआ है, नगर परिषद ने लगा रखा है। लोग कितने आते हैं, लोगों की उदासीनता छोड़नी पड़ेगी, आलस्य छोड़ना पड़ेगा। हमारे शरीर के प्रति हमें लगाव होना चाहिए, कोई जबरदस्ती थोड़ी ला के, बीमार होगा तो हम जबरदस्ती ला के उसको हॉस्पिटल में, लेकिन स्वस्थ आदमी को तो कैसे पकड़ के लाएंगे। उसको सोचना चाहिए, उसको जिम्मेदार होना चाहिए, इस देश के प्रति उसकी जिम्मेदारी है, उसके परिवार के प्रति उसकी जिम्मेदारी है, कि यदि हिंदुस्तान का जो नागरिक स्वयं जिम्मेदार है तो अपने स्वास्थ्य का सबसे प्रथम ध्यान रखे। आपके साथ में विदेशी महिला भी हैं, आप बताएं योर नेम एंड योर कंट्री नेम एंड योर ओपिनियन योग डे। सो आई एम मार्टिनी फ्रॉम फ्रांस। I've been living in India for 7 years now, especially in Udaipur. So what I think about yoga, this is what you ask? Yeah. Yes. So yoga, as Javanji said, it's like a way of life. It's not only gym or exercise. Together with yoga, it's like you have to eat correctly, things correctly. So all that will boost your immunity at the end. It's not only doing stretch like this, stretch like that. It's everything goes with yoga. Like you have to eat a little bit like more healthier, you have to stop smoking, so many things like this, like alcohol, so you have to stop also. So all these ways will somehow get you more healthy. That's why yoga is a complete thing, a whole way of life. The Surya Namaskar, actually. This is what I like the most. Because it's complete. I like it a lot. Because it is the combination about the postures and pranayama. हमें कुछ moral conducts का भी follow करना चाहिए। खाना खाने के नियमों का जहाँ तक बात है, खाना दिन में 2 बार या 3 बार, जो ज़्यादा मेहनत करते हैं वो 3 बार ले सकते हैं, और बाकी जो ज़्यादा बैठ के काम करते हैं, जिनका फिजिकल कम है एक्टिविटी, वो 2 बार खाना खाएं। बीच में ड्यूरेशन में कुछ लेना, ये बहुत ज़रूरी है कि कम से कम 6 घंटे, एक बार आपने खाना खाया तो 4 से 6 घंटे के बीच में दूसरा कुछ नहीं खाया, फिर दूसरी मील लें। और खाना खाते टाइम हम बहुत बड़ी गलती करते हैं, हम टीवी चला के मोबाइल देख के खाना खा लेते हैं। नो, आवर बॉडी इज़ नॉट आवर व्हीकल कि जिसमें हम बैठ गए और हमने फ्यूल डाल लिया खाने के रूप में। नहीं, हमारी बॉडी कोई व्हीकल थोड़ी है कि हम पेट्रोल पंप पे गए, पेट्रोल डलवाए और चल दिए। हम तो आत्मा, मन और शरीर का संयोग हैं, तो ये तीनों एक अलग अलग लेवल पे काम करते हैं। और हम क्या करते हैं, सिर्फ फिजिकल बॉडी को देखते हैं। नहीं, तो जब भी अगर आप खाना खाएं तो तन मना भुंजित आराम से, बिना किसी और एक्टिविटी में इंडल्ज होकर सिर्फ खाना खाएं, आराम से, शांति से, अच्छे वातावरण में। मोबाइल देखते हुए, टीवी देखते हुए जो हम करते हैं ये हमें नहीं करना चाहिए। खाना खाते टाइम हमारे मन के भाव बहुत ज़रूरी हैं। आनंदित मन होना चाहिए, प्रफुल्लित मन होना चाहिए, शांत मन होना चाहिए। आप किसी से तो बहुत तेज तेज बातें कर रहे हैं, साथ में खाना खाए जा रहे हैं, हाँ जल्दी से खाना है, ऐसे लोगों का डाइजेशन वीक रहता है। इनको क्या होता है,
ऐसे लोग जो ऐसे खाना खाते हैं, आप खुद देख सकते हैं कि उनको दिन में कभी दो बार कभी तीन बार मोशन में जाना पड़ता है। तो आपको खाने के नियमों के प्रति भी सजग होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। घर पे रहें, योग करें, करें योग, रहे निरोग। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूँ पूजा मिश्रा। मुझे यकीन है आपने मेरी वायरल मीम पूजा व्हाट इज दिस बिहेवियर जरूर देखी होगी, जो बिग बॉस सीजन 5 की एक वीडियो क्लिप है। वेल, आज मैं यहाँ पर आई हूँ आप सबको 21 जून, जो विश्व योग दिवस है, उसकी शुभकामनाएं देने के लिए। कोविड महामारी में कई मौतें हुई, पर योग ने कई लोगों की जिंदगियां भी बचाई। तो योग करते रहिए, स्वस्थ रहिए। योग और प्रणायाम एक कंप्लीट पैकेज है आपको स्वस्थ रहने के लिए और इम्यून सिस्टम को डेवलप करने के लिए। अच्छा खाइए। अच्छा खाना मतलब अभी ये नहीं है कि घर पे बैठे हैं, लेडीज घर में हैं, हम भी घर में हैं, तो वी आर एंजॉयिंग सारा जंक फूड। आज पास्ता, पिज्जा, बर्गर खाइए, कोई बात नहीं। एक दिन खाया है, अगले दिन उसे कॉम्पनसेट करिए। दो तीन दिन हल्का खाना खाइए। आप खाने में आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल, सैलेड, सूप्स, छाछ, इनका इंटेक इम्प्रूव करिए। नींबू खटाई का सेवन एक रोज करिए। सिट्रिक फ्रूट्स जो हैं, कीवी आ रहा है, पाइनएप्पल है, ऑरेंज है, ऑरेंज नहीं है तो मौसम्बी है, इन सब का सेवन आप कर सकते हैं। तो जितना हो सकता है आप जितना नेचुरल और प्योर चीज़ें खाएंगे, आप अंदर से उतने ही स्वस्थ रहेंगे। तो मेरा एक इतना सा संदेश है आप लोगों के लिए। हम चाहते हैं आप स्वस्थ रहें, हमारा समाज स्वस्थ रहे, हमारा देश स्वस्थ रहे और हम जल्द ही इस कोरोना काल से मुक्त हो जाए। धन्यवाद। मैं चंद्रकला चौधरी, लॉयंस क्लब प्रेसिडेंट। आज हमने योग दिवस को मनाया है और पूरी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया है। और योग ही ऐसी चीज़ है जिससे हम मास्क और दूरी को भगा सकते हैं। कोरोना को दूर करने के लिए हमारे सबसे बड़े अभी विकल्प हमारे पास वैक्सीन और वैक्सीन के साथ योग ही है। लियो क्लब मानव बींग एवं सहस्त्र बाहु नारी संगठन हमेशा योगा रिट्रीट के द्वारा योगा शिविर किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है, अंदर 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। और इसी कड़ी के अंदर हमने भी आज एक छोटा सा प्रयास किया है कि हम भी इसके अंदर शरीक हों। साथियों, इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के लिए 21 जून का दिन चुना गया है। क्यों चुना गया है, इसके पीछे एक रीज़न है। आज आप सब जानते होंगे, हमारे घर के अंदर कहते हैं कि आज सबसे बड़ा दिन होता है, यानी कि आज जो 365 दिन का चक्र है उसके अंदर जो सबसे बड़ा दिन है वो आज का होता है। और इसी और जो सकारात्मक ऊर्जा होती है वो आज सर्वाधिक होती है। तो इस वजह से 21 जून के दिन को इसमें चुना गया है। आज भारत ही नहीं, पूरे विश्व के 190 देश इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं योगा दिवस को। और हमारे पूरे उदयपुर में भी कई जगह पर ये आयोजन हो रहा है। करीब 75 जगह पर इसको ऑनलाइन वर्चुअली किया जा रहा है। हमने हमारा बहुत छोटा सा यूनिट था तो इसके अंदर हमने कहा क्यों ना, अपने पास में है सारी फैसिलिटी तो अपन यहाँ पर वर्चुअल की जगह फिजिकली प्रेजेंस होकर के हम इसको करें। आज का ये जो आयोजन है इसके अंदर हम दो संस्थाएं शामिल हैं, एक तो लायंस क्लब उदयपुर बीइंग मानव और एक सहस्त्र बाहु नारी मंडल। इन दोनों के सौजन्य से हम इसको संपादित कर रहे हैं। और हमारी जो योगा ट्रेनर हैं अमीषा चौधरी, योग और आयुर्वेद से न केवल हम हमारी अर्थव्यवस्था को सुधारेंगे, न केवल हम शरीर को सुधारेंगे, न केवल हम समाज को, क्योंकि योग है जुड़ना। जहाँ संयोग होता है, हम जो आज कटुता है चारों तरफ, उस कटुता को भी हम योग के माध्यम से दूर कर सकते हैं। आइए हम सब योग और आयुर्वेद को अपना के अपने जीवन को, अपने समाज को, अपने देश को उच्च स्तर पे पहुँचाएँ। धन्यवाद जी। बताएं, योग दिवस के उपलक्ष्य में सर्वप्रथम आप सभी को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं, क्योंकि योग हमारे जीवन के प्रारंभिक क्षणों से लेकर जुड़ा हुआ है। और महिलाओं के लिए योग केवल एक योग प्राणायाम या एक्सरसाइज ही नहीं है, योग महिलाओं को
अत्यंत आवश्यक और मानसिक शांति देने वाला है। बीते गत 2 वर्षों से पूरा देश और पूरा विश्व है कोविड की झेल रहा है, कोविड को झेल रहा है। इसमें योग और प्राणायाम की महत्ता बड़ी है। प्राणायाम से लंग्स कैपेसिटी बढ़ती है, इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। योगा अभ्यास करने से व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहता है, जिससे होने वाली नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बीमारियों से बचा जा सकता है।